हे गाइस, इट्स मी आयुति एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड इफ़ यू गाइस वंडर कि व्हाट्स रॉन्ग विथ माय वॉइस, मुझे 2 हफ्तों से बुखार है और बुखार आने पे सबसे पहले मेरा गला बदलता है। हाय। तो आज का व्लॉग मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैंने लास्ट वीक एक पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था IBS के। तो वहाँ मैं जीती मिस कॉन्फ्लक्स। तो मुझे एज अ रिवॉर्ड मुझे मिला एक ट्रॉफी, एक हैम्पर फ्रॉम द स्पॉन्सर्स और सर्टिफिकेट और 2500 का चेक। सो वो चेक मेरे नाम पे है और मेरा सबसे पहला ऐसा इनकम है, मतलब सबसे पहला इनकम नहीं, मेरा पहला फर्स्ट पेमेंट था मेरा 865 रुपीज़ का, जो मुझे प्रमोशंस के लिए मिला था पैंटीन और विस्पर से। तो वो मेरा फर्स्ट पेमेंट था और ये मेरा फर्स्ट चेक है, तो इट डज़ मैटर अ लॉट। और मुझे पता है कि 2500 इज़ नॉट दैट ह्यूज, बट मेरे लिए इट इज़ ह्यूज। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं उसको स्पेंड कैसे करूंगी, पर मैं ये व्लॉग में बताऊंगी कि वो चेक कैश कैसे करते हैं। मेरे पापा को मैंने बोला, मतलब पूछा था कि पापा कैसे करते हैं, पापा ने बोला मुझे दे दे मैं कर दूंगा, बट आई वॉज लाइक नो, मैं करूँगी खुद क्योंकि वो मेरे नाम पर है और मुझे सीखना है कि चेक कैश कैसे करते हैं। और बाय द वे, आई हैव बीन हैंडलिंग माय ओन बैंक अकाउंट सिंस आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तो मुझे बैंक का बहुत मतलब ठीक ठाक नॉलेज है कि पैसे डिपॉजिट करना, DD बनाना मुझे पता है। तो आज मैं बताऊंगी हाउ टू कैश अ चेक, लेट्स सी। मुझे पापा ने बोला था कि इतना कुछ टफ नहीं है तो मैं इसको भर सकती हूँ। ये नॉर्मल रिसीप्ट है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, पहले तो मेरा अकाउंट नंबर, मेरा सब, और फिर उसके बाद में पता नहीं चेक का क्या डालते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं भाई पहले। लेट्स स्टार्ट इट। पूरा फिल कर दिया मैंने, अब इसको स्पिन लगाना है। डन डन। अभी इसको मुझे बोला कि ये जो है वो एक कुछ बॉक्स है, वो बॉक्स में डालना है। तो काफ़ी जल्दी हो गया है, मुझे लगा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी हो गया। आई शूट इट, डन। भाई साहब, ये व्लॉगिंग का भूत मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। लोग ना ऐसे ऐसे नज़रों से देखते हैं ना कि मतलब भाई क्या जुर्म कर लिया मैंने। मैंने सिर्फ वो मतलब वो दीदी के सामने मैं वो डाल रही थी उसमें चेक इन टू द बॉक्स, और दीदी के एक्सप्रेशंस ऐसे कैसे चलेगा दीदी। भाई देखिए, मेरे को लगा था बहुत कुछ ऐसा टफ वगैरह होगा, कुछ टफ नहीं था ब्रो। बस जैसे फिल करते हैं, जैसे मैं इतने साल से करते आ रही हूँ डिपॉजिट का स्लिप फिल, वो डिपॉजिट का स्लिप फील करने का, वाह, फिल करने का, और इसमें जो चेक का जो अमाउंट है वो लिखने का, खुद का मतलब डिपॉजिटर का साइन करने का, उसको स्टेपल नहीं क्या करते उसको पिन लगाने का, और फिर हो गया वो जो बॉक्स है उसमें डालने का। That was fun. I love commerce. नहीं पर ये ना खुद करके सीखना is way more better than textbook में पढ़ के सीखना how to cash a check. No bro, this was better. अच्छा लगा। अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज क्योंकि मेरा prelims के papers और board का hall ticket आने वाला है, आने वाला था, जो कि सैटरडे को सबने ले लिया, पर सैटरडे को मैं गई नहीं थी कॉलेज तो मैंने नहीं लिया था। मेरे papers मेरे friend ने लिए थे और मैंने पेपर्स देखे और मेरी फटके 4 हो चुकी है। तो अभी अभी पढ़ना पड़ेगा यार अभी, क्योंकि इसे कोई भी चीज़ एक के पीछे भाग के दूसरी छूट जाए ये मुझे मंजूर नहीं है, और मेरा बोर्ड्स मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, और मैं पढ़ूंगी वेयर द ब्राइटनेस इज, हाँ तो मैं पढ़ूंगी। तो अब से मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, रेगुलरली अच्छे से पढ़ने वाली हूँ, इस बात का मुझे यकीन है। और अभी हम जा रहे हैं कॉलेज, मैं कितना बोलती हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज
मेरा हॉल टिकट लेने और टीचर्स के एक्सप्रेशंस देखने लायक होंगे. इफ़ यू गाइस आर स्टिल वंडरिंग कि मैं अपने फर्स्ट चेक के लिए इतनी हाइप्ड अप क्यों हूँ जबकि वो एक पेजेंट में जीता हुआ चेक है, तो द फैक्ट इज़ कि ये मेरा फर्स्ट पेमेंट नहीं है. मेरा फर्स्ट पेमेंट 865 रुपीज़ था, जो कि मुझे फर्स्ट पेमेंट है इसलिए मेरी मम्मी को देना था, इसलिए मैंने उसको मेरे मम्मी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था. मतलब थ्रू द मार्केटिंग का टीम वो गया था मेरे मम्मी के बैंक अकाउंट में. पर फिर माई दादी वॉज इल, तो वो जो 865 रुपीज़ थे वो मेरे मम्मी ने नहीं यूज़ किए, वो मेरे दादी के हॉस्पिटल में गए. तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फ़र्स्ट पेमेंट ऐसे जाए, तो और वो मेरा फ़र्स्ट पेमेंट मैं उसको ऐसे कंसिडर भी नहीं करती क्योंकि वो सिर्फ मुझे पिक्चर्स क्लिक करके पोस्ट करने का मिला था, जो कि मेरे स्किल्स नहीं है. मैं और ये जो चेक जो मैंने जीता है, जो ये अमाउंट जीता है, वो मेरे खुद के स्किल्स है. मैं खुद, मतलब मुझे जब मैं स्टेज पे थी मुझे बुखार था और मेरा वॉइस भी क्या बोलते हैं, मतलब इतना ऑडिबल नहीं था, पर थैंक गॉड माइक के ऊपर इतना ये नहीं आया, माइक से आवाज़ क्लियर ही आया. पर और मैंने मेरे स्पीच में बोला भी था, इंट्रोडक्शन राउंड में ही बोला था कि आई एम नॉट वेल और माय वॉइस इज नॉट जनरली दिस थिक, पर आज माय हेल्थ डिसाइडेड टू मेस अप, इट्स ओके. और हाँ बस यही, ये मेरे खुद के स्किल से कमाया हो, ये है मेरे टैलेंट पे मैंने कमाया है, इसलिए मेरे लिए बहुत मायने रखता है. दैट्स वाई इतना ताम झाम बनना है यार. मैं को साथ ले लेने नहीं हो रहा. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मुझे सेंटर मेरा ही कॉलेज आया. वाह, खुदा का रहम है जो इसे सब इतना अच्छा अच्छा हो रहा है. बस आई होप कि इतने अच्छे अच्छे के चक्कर में कुछ बुरा ना हो जाए, बस इतना ही. और मेरे को पता नहीं मैं और आगे क्या करने वाली हूँ व्लॉग में, क्योंकि अभी जाके तो मैं आई गारंटी मैं जाके सो जाऊँगी क्योंकि मेरे को अभी बुखार चढ़ रहा है. तो मैं जाके सोने वाली हूँ और फिर उठ के मैं पढ़ूँगी, देखते हैं बाद में. 8:01 PM मैंने कल एक चश्मे का फ्रेम लिया था क्योंकि मैंने लास्ट वीक अपना 12वां चश्मा तोड़ दिया, तो मुझे वो फ्रेम मैंने लिया, मुझे तभी अच्छा लगा, पर फिर बाद में मुझे घर जाके वो पसंद नहीं आया, तो आज मैं गई थी उसको चेंज कराने. तो ऑल ऑफ अ सडन वो अंकल ने अमंगस्ट द 365 डेज ऑफ अ ईयर उन्होंने आज ही बाहर जाने का डिसाइड किया और मेरा इतना जाना वेस्ट गया यार. इतना उठ के सज धज के मैं गई लेंस वेंस लगा के. एंड फॉर द पीपल हु डोंट नो, आई एम ब्लाइंड, आई कांट सी विदाउट लेंसेज और स्पेक्स. मुझे बहुत ज़्यादा नंबर है, एक में कुछ 3.5 है और एक में कुछ 4.25 है ऐसा. हाँ, और ये दिस इज़ जलेबी, आई हैव अ स्वीट टूथ, मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए और जलेबी के लिए तो मैं पागल हूँ, तो ये मेरे फेवरेट शॉप की जलेबी है. एंड ऑल्सो आई एंड द ब्लॉग हियर, मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वाओ, बाय.